जायज नहीं लगता मुझे हमसे तेरा रिश्ता। सुन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है सैयद अरीब हसन रिजवी और आप लोग देख रहे हैं अमीगोस 6। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग मिलने आए थे एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत से मिलने, बहुत ही टैलेंटेड अपने एक दोस्त से मिलने के लिए, जिनका नाम है अनीक अहमद। तो आइए चलते हैं अनीक अहमद की तरफ और उनसे कुछ बातें करते हैं, कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनीक भाई। वालेकुम अस्सलाम अनीक भाई, कैसे हैं? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अनीक भाई कुछ इंट्रोडक्शन दें अपने बारे में, आप कुछ बताइए। मैं कराची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, लिटरेचर में BS कर रहा हूँ और अपनी म्यूज़िक में अपना जो है वो गिटार एक्सरसाइजेस, गिटार प्रैक्टिसेस। नाइस, माशाल्लाह, क्या बात है। नहीं अच्छा अनीक भाई, ये बताइए जो आपकी ज़िंदगी में एक टर्न आया है ब्लाइंडनेस का, तो वो कैसे आया? वो ऐसे आया कि मैं 10 साल का था और 19 जनवरी 2010 मैं ट्यूशन जा रहा था और कॉपी अपनी सेट कर रहा था। मैंने सोचा कि कॉपी निकाल के देखते हैं क्या करना है आज, क्योंकि मैं कोई इतना खास अच्छा स्टूडेंट नहीं था। तो मैंने देखा, कॉपी निकाली, कॉपी का पेज खोला और पेज की लाइंस मुझे नज़र नहीं आई। ऑल ऑफ अ सडन ये हुआ मेरे साथ। और ये हुआ क्यों? क्योंकि मेरा जो रेटिना है वो डिटैच हो गया था, तो ये मसला हो गया था जिसकी वजह से आई गॉट माय ब्लाइंडनेस। उसके बाद फिर आज तक ऐसे ही है। अच्छा, इसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह हैगा? इसका ट्रीटमेंट था, वो ये था कि आप सीधा सीधा ऑपरेशन करवा लें, जो रेटिना है उसको वो सही कर देंगे, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ 10% चांस था, जो कि हमने ले लिया था राइट आई में 2 साल पहले। उसका कोई ख़ास रिजल्ट नहीं आया था तो वो डेड हो गई थी। अब जब ये लेफ्ट आई पे अटैक हुआ दोबारा से 2 साल के बाद, यानी 2010 में, तो फिर हमने ये चांस नहीं लिया। हमने कहा कि अब नहीं लेना है। सही। अनीक भाई, आप बताएं म्यूज़िक का शौक़ किस तरीके से आपके पास आया, किस तरीके से आपके अंदर आया? म्यूज़िक का शौक़ मुझे बचपन से था। जब मैं छोटा था तो वो मुझे स्कूल वाले ले जाते थे, फंक्शंस में गाना गवाते थे। अच्छा। और फिर म्यूज़िक का शौक़, इंस्ट्रूमेंट्स का शौक़ ऐसे आया कि मैं जब 14 साल का था तो मेरी कज़न है, उन्होंने मुझे अपने एक गिटार गिफ्ट कर दिया था। अच्छा। तो एक बच्चे के हाथ में जैसे खिलौना आ जाता है, उसी के साथ में खेलता था, उसी के साथ बस साउंड से लगा रहता था। सही। बस वही मेरा खाना पीना, ओढ़ना बिछोना सब। अच्छा। सही। तो वो इसी तरीके से आप उसमें एक परफेक्शन की तरफ चलते गए। जी, खिलौने की तरह ही उसको खेलते रहे, खेलते रहे, खेलते रहे। और वो फिर उसके साथ साथ मैं प्रैक्टिसेस करता रहा, बहुत सारी कहीं ना कहीं YouTube ट्यूटोरियल्स मिल जाते थे, किसी ने कुछ गाइड कर दिया, कुछ कर दिया, तो वो थोड़ा बहुत करते 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 आज शौक बन गया, वो पैशन बन गया, उसमें मजा आने लगा। बिल्कुल ऐसे ही। क्या बात है। साउंड्स जो थे वो फैसिनेट करते थे, यानी जो साउंड है उससे खेलना, उसको जो साउंड सुनाई दे रहा है। जी जी जी, ऐसा लगता था जैसे कोई बोल रहा है, कोई बातें कर रहा है मुझसे। सही 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 सही, क्या बात है। अच्छा अनीक भाई, आप म्यूज़िक करते हैं, आपने बताया कि आप 10 साल के थे तो आपको एक गिटार गिफ्ट में मिला था। हाँ। उसके बाद से करते हैं, तो ये म्यूज़िक में क्या मुश्किल आई आपको बिल्कुल स्टार्ट में? यार म्यूज़िक में मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई एज अ ब्लाइंड। बहुत मुश्किल है कॉपी करना, देखना, सीखना कैसे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई टीचर आपको इतनी आसानी से नहीं मिल पाता जो आपको सिखाए, क्योंकि एक खास इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए आपको बहुत से लोगों की नज़रिए के मुताबिक आपको देख के करना पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप कोई भी यूट्यूब पे अगर आप गिटार ट्यूटोरियल्स देखते हैं, तो उसमें जो है ना वो दिखा रहे होते हैं, डायग्राम्स दिखा रहे होते हैं कि यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, आप यहाँ पे ये हाथ रखें, यहाँ पे ये ऐसे हाथ रखें तो आप बजेगा। तो हम तो लटक जाते हैं उसमें कि क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हाथ रखना है। तो ये प्रॉब्लम्स आई, लेकिन क्या करें, पैशन होता है, एक इंटरेस्ट होता है, बिल्कुल वो हमें साउंड्स को फॉलो कर करके हमने सब कुछ खुद ही सीख लिया। क्या बात है अनीक भाई। अच्छा अनीक भाई, अपना फेवरेट म्यूजिशियन बताएं कौन सा है?
मुझे जो सबसे ज़्यादा इंस्पायर करते हैं वो है फराज अनवर। फराज अनवर की कंपोजिशंस, उनकी प्रोडक्शन, वो मुझे बहुत फैसिनेट करती है। लेकिन सिंगर्स अगर आप पूछेंगे, वोकलिस्ट, तो मुझे आतिफ असलम की आवाज़ बहुत अच्छी। सच्चाई बहुत अच्छी। अच्छा व्यूवर्स, हम इन अनिक भाई से अभी एक गाने भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले अनिक भाई मैं आपसे एक सवाल करूँगा कि म्यूज़िक की दुनिया में आपकी अपनी ज़िंदगी में क्या गोल है, क्या एम है? यार मेरा एम म्यूज़िक को लेकर ये है कि वन डे मैं फराज़ अनवर के साथ उनसे पहले सीखूँ और उनके साथ जो है वो कोलैब करूँ, उनके साथ बजाऊँ, उनसे उनके साथ उनकी सोहबत उठाऊँ। इंशाल्लाह। और लाइफ में ये है कि लिटरेचर को फर्दर लेके चलना है और मास्टर्स, फिर आगे भी हो सकता है कि मैं लिटरेचर में पढ़ूँ और एक बेहतरीन क्रिटिक बनना है लिटरेचर का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा अनिक भाई, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? ये मैसेज मैं हमेशा जो अपनी लाइफ से जो रिलेटेड है वही देता हूँ, जो मैंने किया और जिससे मुझे फ़ायदा हुआ। थोड़ा बहुत भी जो फ़ायदा हुआ है वो हुआ है डेडिकेशन से। जिस काम को भी आप करना चाहते हो उसमें आप अगर अपना फुल टाइम देते हो, इंटरेस्ट देते हो, अपना जो है वो अपनी डेडिकेशन के साथ उसको करते हो जी, तो वो इवेंचुअली आपको जो है ना फल देती है। तो बस मेरा यही मैसेज है आपके व्यूअर्स को कि जो भी काम करें उसमें दिल लगाएं और उसको अपना पैशन बनाएं प्रोफेशन में।